हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं हरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हर्षिता हरीश की रसोई में। ये चैनल मेरी वाइफ का है, उसकी इच्छा रही थी कि आप भी कुछ ना कुछ इसमें बनाते रहें, तो इस बार मेरी इच्छा हुई कि मैं क्यों ना सैंडविच बनाऊँ। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चीज वेजिटेबल तवा सैंडविच। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी गोइंग में सब घर में बना सकते हैं और बहुत ही हेल्दी है। बच्चों के लिए तो बहुत ही बिल्कुल पौष्टिक हर चीज़ मिलेगी इसके अंदर और आप सभी को बनाने में बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए अपने को बहुत कम आइटम लगेगी, अपने को लगेगी शिमला मिर्च एक, टमाटर, प्याज कटा हुआ, गाजर, अमेरिकन कॉर्न, सादा नमक, काला नमक, अमचूर पाउडर, काली मिर्च, हरी चटनी, टमाटो सॉस, चीज़ क्यूब को मैंने यहाँ पे कीस के रखा हुआ है, अमूल का बटर लगेगा, ब्रेड लगेगी और मेयोनीज सॉस लगेगा। चलिए अपन बनाते हैं आज। चलिए अब हम मसाला बनाते हैं। इसमें अपन सबसे पहले डाल रहे हैं शिमला मिर्च, टमाटर बारीक कटे हुए, प्याज, गाजर लेंगे, ऑनियन, स्वीट कॉर्न, इसमें स्वाद अनुसार नमक लगेगा, थोड़ा सा काला नमक, अमचूर पाउडर। अपन थोड़ा सा इसमें खट्टा मीठा टेस्ट आना चाहिए, इसके लिए हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे। तो अमचूर पाउडर ज्यादा नहीं डालना है। काली मिर्च लगेगी थोड़े से, हम इसमें मेयोनीज इसी के अंदर मिक्स करेंगे, बाद में फिर डेकोरेशन के लिए बाद में लेंगे, पर अपन इसमें अभी मिक्स कर लेंगे। तो जो मैंने चीज ग्राइंड करके रखा था, ये दो चीज क्यूब इसमें ग्राइंड करे हुए हैं, बाकी हम डेकोरेशन के लिए लेंगे, ये सब इसमें हम मिक्स कर देंगे। इन सबको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हम सबसे पहले सैंडविच के लिए हम ये ब्रेड के थोड़े से ये जो ब्राउन है ये कॉर्नर्स थोड़े से काट लेंगे, इससे इनका टेस्ट नहीं आता है। देखिए हमारी ब्रेड के जो ब्राउन हिस्सा था हमने चारों तरफ से कट कर दिया है। इसमें हम एक ब्रेड में ग्रीन चटनी लगाएंगे, ग्रीन चटनी है, हमने हरा धनिया, हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन और नमक वगैरह डाल के ग्रीन चटनी, जो जिसमें मेरी वाइफ की एक्सपर्ट है वो वाली ग्रीन चटनी बनी हुई है, ये ग्रीन चटनी उसी ने बनाई है। एक ब्रेड में हम टमाटो सॉस लगाएंगे, ये हमने ब्रेड के एक साइड में ग्रीन चटनी लगाई है, दूसरी ब्रेड में हमने टमाटो सॉस लगाया है और बीच हम ये वाला स्टफिंग इस ब्रेड में रखेंगे। ये इतना क्रीमी और चीजी और वेजिटेबल से भरपूर, बच्चों को, बड़ों को, अर्जेंट में कोई अपने गेस्ट आए हैं उन लोगों को अपने खिलाने के लिए और बिल्कुल फटाफट, इसके लिए अपने ग्रिल की ज़रूरत नहीं है, सैंडविच मेकर की ज़रूरत नहीं है, अपने बढ़िया जो घर पर तवा रहता है उसमें बन जाएगा। चलिए अब हम इसको बराबर बढ़िया अच्छे से सेकते हैं। आइए आप लोगों को किचन में लेके चलते हैं। आइए अब हम बनाते हैं चीज तवा सैंडविच, वेजिटेबल चीज तवा सैंडविच। सबसे पहले हम तवे पर मक्खन डालेंगे, ये हम अमूल का मक्खन ले रहे हैं। हमें गैस इसकी मीडियम लो रखनी है जिससे कि ये बिल्कुल धीरे धीरे सिकना चाहिए, जिससे बहुत क्रिस्पी टेस्ट आएगा इसका। एक साइड हमने मक्खन लगा दिया, दूसरी साइड हम मक्खन लगा देंगे। मक्खन तो दिल खोल के लगाना चाहिए, ब्रेड पे भी और लोगों को भी, मक्खन का एक अलग ही मजा रहता है मक्खन लगाने में। एक साइड से मक्खन लग गया है, अब हम इसकी एक साइड बदल देंगे।
ये देखिए, एक साइड से बिल्कुल हमें मध्यम आंच में इसको सेकना है ताकि बहुत क्रिस्पी और अच्छा टेस्टी सीखे। जैसे हमको ध्यान रखना है इसे बिल्कुल एकदम डार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे सेकना है और दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। और मक्खन लगाने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, तभी इसका सैंडविच के आपको टेस्ट का बहुत मज़ा आएगा। आप जितना इसमें मक्खन दिल खोल के लगाएंगे, क्योंकि अपन कहते हैं ये मक्खन लगाओ तो आदमी सामने वाला खुश हो जाता है, ऐसे ही सैंडविच का भी इस पर भी मक्खन लगाएंगे तो खुश हो जाएगा। ये देखिए हमारे ये सैंडविच धीरे धीरे सीख रहे हैं, अभी इसे हमें 2 मिनट हुए हैं, ये आपका 5 मिनट में आपके सैंडविच सीख के तैयार हो जाएंगे। देखिए धीरे धीरे हमें बिल्कुल मध्य आँच में सिम पे सेकना है, बहुत ही क्रिस्पी सीखेंगे आपको और खाने में टेस्ट में बिल्कुल चीज़ी मज़ा आएगा। ये देखिए ये आपके सामने तैयार है चीज़ वेजिटेबल तवा सैंडविच। देखिए इसको आप बहुत बढ़िया कलरफुल, दिखने में भी बिल्कुल कलरफुल, 3 रंग आ रहे हैं, बहुत ही शानदार चीज़ तवा सैंडविच। आप सभी को हर्षिता का जय श्री कृष्ण। आप प्लीज हमें मैसेज जरूर कीजिए, हम आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी डिश लेके आ रहे हैं, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए, हमें लगे कि आप लोगों को हमारी डिश काफी पसंद आ रही है। जैसे कि आज सर ने आप लोगों को सैंडविच बनाना बताया है कि इतना टेस्टी है और इसमें सारे अपने वेजिटेबल्स हम लोग खाने में आ रहे हैं और काफी टेस्टी लगता है और मुझे इनका लगता है ये बहुत पसंद है, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो प्लीज आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए और हमारी जो रेसिपी डिश का नाम है, मतलब हमारी जो चैनल का नाम है हर्षिता हरीश की रसोई, उसमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये हमारा चीज तवा सैंडविच को घर पे बनाएं और सभी प्रेम से खाएं। जय श्री कृष्ण।